नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। आप सबका स्वागत है हमारे शब्दों की अजमत में और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप एंजॉय कर रहे होंगे। पूरा आधा साल निकल गया और जुलाई की शुरुआत है और देखिए वो बात है, क्या बोलना चाहिए, कोइंसिडेंस है कि यहाँ पे भी बहुत बारिश हो रही है पर सर्दी के साथ। और मैं अपने दोस्तों से बात करी थी इंडिया में, वहाँ पे भी मॉनसून स्टार्ट हो चुका है। नदीम जी, आपके पाकिस्तान में भी स्टार्ट जी, बिल्कुल से पाकिस्तान में भी कल बारिश हो रही थी, मेरी बात हुई जी, जी। ब्रिस्बेन में बारिश हो रही है तो वगैरह, पाकिस्तान में बारिश, डिफरेंस सिर्फ ये है इधर बहुत ज्यादा सर्दी है, उधर बहुत ज्यादा गर्मी है जी। तो बस हम लोग भी, हमारा बारिश काफी हो रही है ब्रिस्बेन में इस साल, कुछ बारिश ज्यादा ही रही। और मैं हमेशा मौसम की बात करती हूँ क्योंकि मेरे लिए मौसम का बहुत, मेरे ऊपर बहुत ही असर पड़ता है लिखने पे या मेरे मूड्स पे। आई थिंक आप सबके ऊपर भी पड़ता होगा, जो लिखने वाले हैं, क्रिएटिव लोग हैं, उन पे मौसम का बहुत असर रहता है यूजुअली। सो आज हमारे साथ आप जानते हैं जसवंत पागला जी हैं और उनकी एक्चुअली अभी हाल फिलहाल में एक बुक रिलीज हुई थी सिलसिला, और वो एक और बुक उनके उस्ताद की रिलीज हुई है काला सूरज। एंड और हम लोग मजाक कर रहे थे जसवंत जी की, दोनों ही जो नाम है वो मूवीज के नाम है ना काला सूरज और सिलसिला, बहुत ही अच्छी मूवीज थी दोनों। एंड फिर हमारे नदीम अकरम जी हैं और आप बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और मैंने उनसे बोला कि वो जूतियां पहने हैं, आप इसकी स्टोरी सुनाएं नदीम जी। बहुत शुक्रिया। मैं विवेक जी को बता रहा था, इधर तो वैसे काम ही पहनता हूँ, पाकिस्तान जाने का इत्तेफाक हुआ तो वही जो फीलिंग्स थी आज से 15-20 साल पहले की वो दोबारा लौट के आई जी। तो आज दिल किया चलो इस मुशारे में जाना है तो चलो क्यों ना ये अपना ऐसा स्टाइल में जाया जाए। बहुत बहुत ही बहुत शुक्रिया विवेक जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। Just amazing. And इस तरफ मेरे पास सौम्या दयाल जी वापस से आई हैं और बहुत खूब सुंदर लग रही हैं, वो भी सिल्क साड़ी बिल्कुल ब्लैक में, और हमें आज गा के भी सुनाएंगी थोड़ा बहुत, आप बोल रहे हैं। कोशिश करूंगी आज जी। मैं भी जैसे आपने मेंशन किया मौसम के बारे में काफी सोच के आई हूँ अपनी कविता जी 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 जी। और हमारे साथ रमन प्रीत बरार हैं, हमारे आज नए कवि हैं, बहुत ही यंग कवि हैं, उन्हें यहाँ आए अभी बस 6 महीने हुए, जनवरी में आए थे और बहुत अच्छा लिखते हैं। और मैं कोशिश करती हूँ हमेशा कि कोई ना कोई यंग बच्चे को लेके आया जाए, जो हमारे यंगस्टर हैं उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, तो मैंने उन्हें बोला वो आए और वो आए, बहुत शुक्रिया रमन जी आप आए। और तो हम शुरुआत जसवंत जी आपसे करते हैं ना। हाँ जी जरूर विभा जी, क्या सुना रहे हैं? मैं हमेशा वांग पंजाबी गजल ही सुनाऊंगा जी, ते पेश कर रहे हैं पंजाबी गजल, ये पीछे जो रिकॉर्ड भी हुई सी ते सिंगर बलजिंदर बैंस जी ने गाया सी, मैं बोल के पेश कर रहे हैं गजल। हाँ जी। के जे करना सच आउंदा मेरी जुबान उत्ते, जे करना सच आउंदा मेरी जुबान उत्ते, बरदे कदे ना पत्थर मेरे मकान। वाह 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 वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। कि जेकर ना सच आउंदा मेरी जुबान उत्ते, वरदे कदे ना पत्थर मेरे मकान उत्ते। क्या बात है। जो मुस्कराहट कायम, जो मुस्कराहट कायम रखदा है रोण वेले, जो मुस्कराहट कायम रखदा है रोण वेले, मेरे जिहा ना पागल होना जहान। वाह वाह पागल जी। जो मुस्कराहट कायम रखदा है रोण वेले, मेरे जिहाना पागल कोना जहां दे उते। जे कतल करना तेरा एक शौक बन गया है, जे कतल करना तेरा एक शौक बन गया है, रख ले सजा के छुरियां अपनी दुकाने उते। वाह वाह, बहुत गहरा शेर है। जे कतल करना तेरा एक शौक बन गया है, रख ले सजा के छुरियां अपनी दुकाने उते। अगला शेर बीबा जी जी। हाँ। के खादे ने जख्म किन्ने एक बांस ने पता ना, खादे ने जख्म किन्ने एक बांस ने पता ना, ऐ पर फिदा ने सारे वंजली दी ताने उते। खादे ने जख्म किन्ने एक बांस ने पता ना, ऐ पर फिदा ने सारे वंजली दी ताने उते। करदा भविख दी मैं किदा भविखवाणी, करदा भविख दी मैं किदा भविखवाणी, मैनू नहीं भरोसा जद वर्तमान। वाह वाह। करदा भविख दी मैं किदा भविखवाणी, मैनू नहीं भरोसा जद वर्तमान उत्ते। अगला शेर देखना। कि सौखी गुजर है जानी हुण वाट वाग ले दी, सौखी गुजर है जानी हुण वाट वाग ले दी, कुछ रुख मिल गए ने
रस्ते वीराने उते। वाह जेकर न सच आउंदा मेरी जुबानी उते वरदे कदे ना पत्थर मेरे मकान। वाह जबरदस्त बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत 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 ही सुंदर हमेशा की तरह जसवंत जी बहुत बहुत शुक्रिया बीवा जी। आपने कत्ल की बात करी तो मुझे एक शेर याद आया ये आपके लिए। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। क्या बात है। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। तो जसवंत जी आप थोड़ा सा अपनी बुक के बारे में बताएंगे। हाँ जी, अभी नई बुक आई है सिलसिला जो गजल की बुक है। हाँ जी ये पड़ी है आपके पास। जी ये है गजल संग्रह सिलसिला, ये तीसरी किताब है मेरी। इससे पहले दो किताबें हादसों का जंगल फर्स्ट गजल संग्रह था जी। और दूसरी थी झांझर, और ये तीसरी है। इसमें काफी गजलें हैं, बहुत गजलें हैं जो इसमें रिकॉर्ड भी हुई है। तो बीवा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने रेडियो पर भी इसको बताया था इसके बारे में। तो यही किताब है, इसकी पहले काफी गजलें मैं यहाँ पे प्रोग्राम में पढ़ भी चुका हूँ। पहली गजल सिलसिला भी काफी, इसकी अभी वीडियो भी आई है, बहुत जबरदस्त वीडियो जो बलजिंदर बैंस जी ने गाई है। हाँ जी हाँ, तो नाम भी काफी अच्छा रखा है सिलसिला। हाँ जी हाँ जी, सिलसिला मूवी भी थी एक अमिताभ बच्चन की, तो ये अच्छा लगा ना उसका नाम सिलसिला रखा है। सिलसिला है, चलता ही रहे तो अच्छा रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको नहीं, अच्छी गजल है आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया। अजीब से सिलसिले हैं जसवंत जी, अजीब से सिलसिले हैं तेरे मेरे दरमियाँ, फासला भी बहुत है और मोहब्बत बे इंतहा। क्या बात है, बहुत जी। तो देखिए मानसून की जो हम बात कर रहे थे उसकी, उसका एक शेर आप सबके साथ मैं शेयर करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा था ऐसे ही, मतलब ना सबको पता है मुझे बहुत शौक है शायरी का, तो मुझे ऐसे ही व्हाट्सएप पे इधर उधर से आते रहते हैं और मुझे कुछ अच्छा लगता है तो मैं ऐसे नोट कर लेती हूँ। ये वाला समय जी, सुना है बाजार में गिर गए हैं दाम सारे इत्र के। सुना है बाजार में गिर गए हैं दाम सारे इत्र के, बारिश की पहली बूंदों ने आज मिट्टी को छुआ। क्या बात, क्या बात, जबरदस्त जबरदस्त। वो एक सौंधी सौंधी खुशबू जो आती है पहली बारिश की, वो उस जैसी मिट्टी की खुशबू कोई भी नहीं बना सकता दुनिया में। जितने भी इतर हैं परफ्यूम्स ये सारी चीजें, कोई ऐसी ऐसी में बना सकता जो मिट्टी की खुशबू हम फील करते हैं। बड़ा अच्छा शेर है मेरे। और नदीम जी कुछ महीनों पहले पाकिस्तान जाके आए और वो ननकाना भी गए थे, वहाँ भी जाके आए ननकाना साहब, और उन्होंने इतना अच्छा वो डिस्क्रिप्शन देते हैं और उन्होंने बहुत अच्छी फोटोज वहाँ से उन्होंने पोस्ट करी सोशल मीडिया पे भी, तो हमें लगा कि हम भी उनके साथ शेयर करके आए हैं। और उनके भाई भी गए थे नईम आपके साथ जी, और तो आप कुछ बताएं उस बारे में भी नदीम जी। हाँ जी, पाकिस्तान जाना हुआ कोविड के बाद, 5 या 6 साल बाद पाकिस्तान जाना हुआ। बड़ा मजा आया कि जो इधर की जिंदगी में डूबे हुए थे अब वहां पे गए तो ऐसा लगा कि हम वहीं पे रहते हैं। तो फिर अब काफी टाइम गुजारा, तकरीबन 3 माह के करीब मैंने गुजारा पाकिस्तान में। तो तकरीबन पूरा पाकिस्तानी घुमा, कश्मीर, इस्लामाबाद, मरी, फैसलाबाद, ननकाना साहब, लाहौर। यकीन करें इतना मजा आया कि वापस आने को दिल नहीं कर रहा था। और इतने सबसे जो मिस करता अपनी फैमिली से मिला, अपने क्लास फेलोज को मिला, यूनी के फ्रेंड्स थे, और सबसे बड़ी बात खाने। वहाँ पे यकीन कर वहाँ पे होता है ना वो रेडी वालों के पास खड़े होके खाने खाए, वही दही बड़े गोल गप्पे तो ये सारी डिशे, तो बिरयानी, ये सारी चीजें वहाँ पे चलती रही। तो बड़ा मजा आया। कश्मीर में गए पहाड़ों में नजारा, कश्मीर में फर्स्ट टाइम गया था। कश्मीर में जा रहे थे, एक तरफ जब जाने लगे एक तरफ बिल्कुल एक तरफ इंडिया का फ्लैग। तो मैंने कहा हम तो इंडिया में फिर रहे। तो बड़ा मजा आया, सिर्फ एक दरमियान में एक दरिया नीलम था, इस तरफ इंडिया इस तरफ पाकिस्तान। यकीन करें थोड़ा सा मतलब बड़ा अच्छा लगा। मैं गाड़ी रोकी थोड़ी देर के लिए, वो व्यू देखा, तो वीडियोस बनाई के बड़ा मजा आया। और स्पेशली मैं रहा 2 दिन पहाड़ों में, और उनका जो रहने का स्टाइल है हमसे बहुत डिफरेंट है। मतलब कोई जिंदगी की मसरूफियात नहीं, अपना थोड़ा बहुत वो काम करते हैं जो भी करते हैं, लोग आके रह रहे हैं जो। और यकीन करें उनके उनके चेहरों पे मुस्कुराहट है। फर्क इतना है, यहाँ पे हम काम करते हैं मतलब हमारा एटमॉस्फेयर हर चीज वे ऑफ स्टाइल हमारा इधर का भी अच्छा है, लेकिन वहाँ पे लोग खुश हैं। जो मोस्टली चीज हम चाहते हैं वो वहाँ पे लोग खुश हैं, जो मेरा कहने का मतलब ये है। बिल्कुल नदीम जी, तो
बहुत मतलब मैं तो मेरा मन करता है आपसे बस बात करते रहें, आपकी बात सुनते रहें हम और इसको आगे बढ़ाएं। नहीं बिल्कुल, ये तो अगर स्टोरी सुनाने तो बहुत लंबी यकीन करें। मैं अभी नईम से बात कर रहा था, मैंने कहा यार कि अभी 3-4 माह हुए मैं वापस आया, मैंने कहा यार मैं फिर दोबारा जाना चाहता हूँ पाकिस्तान। हाँ बहरहाल लाइफ दोनों तरफ की है, मतलब रहना भी है, लाइफ भी गुजारनी है, लेकिन जो हमारे इंडिया पाकिस्तान इनकी लाइफ है, ऐसी लाइफ मेरा नहीं ख्याल दुनिया में कहीं मिल सकती है। बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान शायद आपकी जन्मभूमि थी और ये आपकी कर्म भूमि है। बिल्कुल, दोनों का समावेश, दोनों का समा। लेकिन खुशी इस बात की भी है कि मैं दोनों कंट्रीज में रहता हूँ, चले लाइफ अच्छी गुजर रही है, अच्छी बात है। चलो पाकिस्तान भी आप सोच रहा हूँ कि अभी ये जाया जाए पाकिस्तान में। बिल्कुल बिल्कुल। नदीम जी आप क्या सुना रहे हैं? जी बीबा जी, हमेशा की तरह ये एक रोमांटिक है, अभी वेदर की बात, अभी वेदर की बात हो रही है मौसम के लिहाज से। हाँ जी, तो मैं आपको थोड़े से बस अशार है, ये जो गजल छोटी सी आपको सुनाता हूँ। बीबा जी काबले गौर है जी। मतलब है तेरी जुल्फों के साए में जीना चाहता हूँ, क्या बात है। वाह। तेरी जुल्फों के साए में जीना चाहता हूँ, तेरी आंखों के दरिया से पीना चाहता हूँ, क्या बात है। वाह बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से पढ़िए। तेरी जुल्फों के साए में जीना चाहता हूँ, तेरी आंखों के दरिया से पीना चाहता हूँ, क्या बात है। बहुत जमाने भर के दुखों का मदावा है इसमें। वाह बहुत शुक्रिया बगला जी। जमाने भर के दुखों का मदावा है इसमें, तेरी आगोश में अपना सर झुकाना चाहता हूँ। वाह वाह वाह, बहुत ही कमाल, बहुत शुक्रिया। बड़े पुर लुत्फ है मोहब्बत के तराने, वाह। बड़े पुर लुत्फ है मोहब्बत के तराने, ना जाने क्यों इन्हें गुनगुनाना चाहता हूँ। वाह वाह वाह, क्या बात है। बड़े पुर लुत्फ है मोहब्बत के तराने, ना जाने क्यों इन्हें गुनगुनाना चाहता हूँ। तुझे अपना बनाने की तमन्ना है मेरे दिल में, क्या बात है। तुझे अपना बनाने की तमन्ना है दिल में, दिल बर्बाद की दुनिया बसाना चाहता हूँ। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया बाखला जी, बहुत ही कमाल। तुझे अपना बनाने की तमन्ना है मेरे दिल में, दिल बर्बाद की दुनिया बसाना चाहता हूँ। बीबा जी, कोई मंजिल है न कोई कारवां है, कोई मंजिल है न कोई कारवां है, फिर क्यों जिंदगी अपनी लुटाना चाहता हूँ। कोई मंजिल है ना कोई कारवां है, तो फिर क्यों जिंदगी अपनी लुटाना चाहता हूँ। तेरी जुल्फों के साए में जीना चाहता हूँ, तेरी आंखों की दरिया से पीना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बागला जी, बहुत शुक्रिया। कमाल जी, आपने तो पूरा समय बांध दिया। वेदर के लिहाज से मेरा मौसम ऐसा है, मेरे का चलो बहुत बहुत सही फरमाया। बिल्कुल, और ये जो बिल्कुल, हाँ जी आप क्या बोले थे, मौसम, मौसम ने 4 चांद लगा दिए शायरी को जी, एकदम वो मजा सब समा में आ गया। बहुत शुक्रिया सर। जी जी जी, जो ये सरहद की बात कर रहे थे और जो आपने एक लाइफस्टाइल की बात करी, जो एक स्लो मूवमेंट, जो हम लोग पहले भी बात कर रहे थे कि दुनिया में वापस लोग अपनी स्पेशली आफ्टर कोविड यू नो दे थिंकिंग अबाउट कि इतनी फास्ट लाइफ जीने में क्या क्या आपको क्या फायदा है उससे, है ना। तो वो वापस से रीइवैल्यूएट कर रहे हैं एंड लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग बैक टू दैट सॉर्ट ऑफ स्लो मूवमेंट, स्लो काइंड ऑफ लाइफ। और जो आप इसकी बात करें कि पहाड़ों में लोग यू नो खुश हैं, मुस्कुराते हैं, खुश हैं विभा जी के, हाँ वो उनकी मतलब वो स्लो लाइफ है। हाँ। लेकिन वो हमेशा जब भी सुबह उठते उनके हर किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट, उनको देख के हम भी खुश, और स्पेशली कुदरत के वो नजारे, ग्रीनरी अराउंड जी जी। तो ये सरहदों से मैं एक शेर आपके लिए जी। सरहदों में तो बारूदों का मौसम है, सरहदों में तो बारूदों का मौसम है, गांव चलो अमरूदों का मौसम है। अमरूद याद करवानी है मुझे, बस वो याद आ गया जो आप बोल रहे हैं। और अमरूदों में सॉरी, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, कराची गया। हाँ जी, यकीन करें रेडियो पे इतने अमरूद, मैं नहीं से कह रहा, ऑस्ट्रेलिया में होते हैं इतने, मतलब अमरूद तो वैसे होते ही नहीं। जी, जी। अगर किसी वेजिटेबल इंडियन शॉप पे या वैसे शॉप पे चले जाओ, 5-6 अमरूद रखे होते हैं। हाँ, क्या अमरूद है। हाँ, वो भी अच्छे नहीं होते। मैंने नहीं से कहा 25-30 केजी अमरूद जो एक एक रेडियो पे थे, वो एक नहीं 6-6 रेडियो लगे अमरूदों वाले, सिर्फ अमरूद बेच रहे हैं। उसकी भी एक बात है, आप कभी अलाहाबाद जाए वो पिंक वाले आते हैं अमरूद खाएंगे, पाकिस्तान में पिंक वाले। हाँ, बहुत बढ़िया लगते हैं, बहुत ही उसका टेस्ट मेरे मुंह में अभी तक है। तो विजुअलाइज कर रहे हैं अभी बचपन के दिन जब वो पिंक वाले अमरूद, हाँ जी, नमक के साथ खाए जाते थे। जी जी जी, तो उसका एक अलग मजा है। बिल्कुल बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच नदीम, शुक्रिया आपका दिल से। तो बारिश की बात हो रही है, एक्चुअली मैं एक हमेशा बुक्स की बात करती हूँ, एक बुक मैं आपके लिए लेके आई हूँ। मैं एक्चुअली ना
स्वामी जी से बात कर रही थी और हम दोनों बात कर रहे थे मॉनसून की इंडिया में. तो ये मेरी एक बहुत फेवरेट बुक है, चेजिंग द मॉनसून बाय अलेक्जेंडर फ्रेटर. एंड ये जो है ये ब्रिटिश राइटर हैं, जर्नलिस्ट भी हैं. इनने ये बुक लिखी थी 1987 में और बहुत इंटरेस्टिंग बुक है. अगर आप सबको मौका मिले तो जरूर पढ़िए. वो मॉनसून चेस करते हैं पूरे सब कॉन्टिनेंट में इंडिया में, तो कभी वो मॉनसून के आगे हैं कभी पीछे हैं. बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक है. बहुत बहुत इसमें उन्होंने बहुत ही मजाकिया वाले भी इसमें वो हैं, इवेंट्स हैं. फिर उन्होंने बहुत ही उसको जिन आँखों से उन्होंने उस पूरे उसको देखा है मॉनसून को और देश को, बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग सी बुक है. अगर आपको मौका मिले तो पढ़े जरूर. तो आई गेस मैंने पिछली बार मीना कुमारी के बारे में थोड़ा बहुत बोला था. आई एम ट्राइंग टू हर एक जो एपिसोड है उसमें मैं अपने एक शायर या शायरा के बारे में थोड़ी बहुत बातचीत करती हूँ कि उनका मेरे ऊपर क्या इंस्पिरेशन रहा है. और जो दर्शकों से मुझे काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट भेजी उनको बहुत अच्छा लगा, तो इस बार मैंने सोचा कि मैं एक और जो शायर है मुझे बहुत पसंद है वो है बशीर बद्र. आप जानते होंगे उन्हें. तो उनकी जो स्टाइल है वो मुझे इसलिए पसंद है कि वो बहुत ही सॉफ्ट एंड वेरी डेलिकेट, वेरी रुमानी, उनका जो बहुत एक नज़ाकत है. अगर वो कोई चीज़ के बारे में, चाहे पॉलिटिकल हो या सोसाइटी के बारे में भी अपनी एक कमेंट्री कर रहे हो, तो वो कभी हार्श वर्ड्स यूज़ नहीं करते हैं. और जिस तरीके आपने आप जो बातें करते हैं ना, फूल पत्ते धूप, ये उनकी शायरी में बहुत फीचर करता है. और इतनी सिंपल है उनकी लैंग्वेज कि आजकल की जो शायरी का जो पॉप कल्चर है उसमें उनका नाम बिल्कुल ऊपर है. एंड इवन मोदी जी उनके शायरी बोलते हैं कभी कभी पार्लियामेंट में, राहुल गांधी है, इवन वो उनको करते हैं. और काफ़ी सारी मूवीज में, एक मसान आई थी उसमें उनकी शायरी को काफ़ी यूज़ किया गया. तो उनकी जो एक मैं पढ़ूंगी, उनकी मुझे बहुत पसंद है एक्चुअली. तो आप सबके साथ मैं शेयर करती हूँ. हाँ, ये वाली ये मैं आपके साथ करती हूँ. सो इशार, कहाँ आंसुओं की ये सौगात होगी, नए लोग होंगे नई बात होगी. क्या बात है, जबरदस्त. मैं हर हाल में मुस्कुराता रहूंगा, मैं हर हाल में मुस्कुराता रहूंगा, तुम्हारी मोहब्बत अगर साथ होगी. वाह वाह वाह, चिरागों को आंखों में महफूज रखना, चिरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी. वाह वाह वाह, परेशान हो तुम भी, परेशान हो, परेशान हूँ मैं भी, परेशान हो तुम भी, परेशान हूँ मैं भी, चलो मय कदे में वही बात होगी. वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया. नदीम जी, चिरागों की लौ से सितारों की जौ तक, चिरागों की लौ से सितारों की जौ तक, तुम्हें मैं मिलूंगा जहाँ रात होगी. वाह, क्या बात है. सदा जहां वादियों में नए फूल आए, जहां वादियों में नए फूल आए, हमारी तुम्हारी मुलाकात हो. क्या बात जी, इट्स सो सिंपल बट बहुत ही खूबसूरती से वो पेश करते हैं. और ये फूलों की बात, तो इसलिए मैंने ये फूल वाली साड़ी पहनी है. सदाओं को अल्फाज मिलने ना पाए, सदाओं को अल्फाज मिलने ना पाए, ना बादल घिरेंगे ना बरसात होगी. और ये आखिरी शेर, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी. क्या बात है, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात. बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छी गजल आपने चुनी. बहुत, मतलब उनकी जो मैं लाइफ हिस्ट्री देख रही थी तो वो 1935 या 37 में उनका बर्थ है. तो वो मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से, अलीगढ़ वहाँ के उन्होंने पढ़ा था. उन्हें डॉक्टर हैं वो, अभी उस्ताद हैं बिल्कुल. और उन्होंने काफ़ी किताबें लिखी. और चाहे कितनी भी उनकी ज़िंदगी में मुश्किलात आई और कुछ भी ऐसी कठिनाई आई, पर उन्होंने हमेशा इस तरीके से अपने शेर लिखे कि सुनकर मजा आ जाता है कि इतनी खूबसूरत उनकी सोच है ना. मतलब समझ में आता है कि वाय वो इतने इस मुकाम पे पहुंचे हैं, इतनी खूबसूरत किसी का, किसी के जहन में इतने अच्छे लफ्ज आ सकते हैं और वो बयां करते हैं. तो एनीवे इस बारे में बात होती रहेगी. अब हम सौम्या जी के पास आते हैं. सौम्या जी, क्या सुना रही हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया विभा जी, आपने दोबारा मुझे इस शो शब्दों की अजमत पर बुलाया. जब आपने आमंत्रण दिया था मैं यही सोच रही थी कि इस बार कोई अपनी स्वरचित कविता सुनाऊं. हाँ जी. और क्योंकि मौसम की बात हो रही है,
ये बिल्कुल सही समय है जब मैं मौसम के बारे में ही एक कविता सुनाऊंगी। जरूर। हालांकि मैं हमेशा से ही एक प्रकृति प्रेमी रही हूँ, अभी क्वींसलैंड में रहते हुए ये लगता है कि यहाँ तो हम सूर्य देव की कृपा से बहुत नवस्फूर्ति, उमंग, उत्साह महसूस करते हैं। ये हमारा सौभाग्य है, स्पेशली विंटर मंथ्स में, सर्दियों के मौसम में। लेकिन जब से बरसात हुई है इसका समा कुछ और ही है। एकदम मन में जो ख्याल आते हैं घनघोर घटाओं के, कोयल कुहू कुहू बोल रही है, मोर नाच रहे हैं, वो विजुअलाइज करना, हरियाली चारों ओर, वो तो जिसे लगता है कि जैसे प्रकृति का सौंदर्य परम पर है, चरम पर है, अपने चरम सीमा पहुंच चुका है जी। तो इसी बारे में बस मेरी जो कविता है। और जैसे आपने मेंशन किया, आपने जिक्र किया था कि संयोगवश इंडिया में भी आजकल सावन भादो चल रहे हैं, सावन भादो का मास हिंदी कैलेंडर के हिसाब से वर्षा ऋतु लाता है। हाँ। तो वहाँ भी वर्षा हो रही है, यहाँ भी वर्षा हो रही है, तो शायद मेरी कविता का और आनंद आएगा। बट कविता पर जाने से पहले मेरे मन में एक छोटा सा गीत उमड़ता है जिसे मैं सुनाना चाहूंगी। 1942 अ लव स्टोरी का सॉन्ग है जिसमें नायिका के चेहरे पर खिड़की से, वो खिड़की खोलती है तो बारिश की बूंदें गिरती हैं, मनीषा कोइराला कैसे अपने भाव व्यक्त करती है। हाँ जी। बस वही थोड़ा सा सुना के। बादल की चादरें ओढ़े हैं वादियाँ, सारी दिशाएं सोई हैं, सपनों के गाँव में भीगी सी छाँव में दो आत्माएं खोई हैं। बादल की चादरें ओढ़े हैं वादियाँ, सारी दिशाएं सोई हैं, सपनों के गाँव में भीगी सी छाँव में तो आत्माएं खोई है। रिमझिम रिमझिम रुमझुम रुमझुम, भीगी भीगी रुत में तुम हम तुम हो चलते हैं चलते हैं। बचता है जल तरंग टीन की छत पे जब मोतियों जैसा जल बरसे, बूंदों की ये छड़ी लाई है वो घड़ी जिसके लिए हम तरसे। ओ बचता है जल तरंग टीन की छत पे जब मोतियों जैसा जल बरसे, बूंदों की ये झड़ी लाई है वो घड़ी जिसके लिए हम तरसे। रिमझिम रिमझिम रुमझुम रुमझुम, भीगी भीगी रुत में तुम हम तुम हो चलते हैं चलते हैं। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। ये तो आप तो प्रोफेशनल सिंगर हैं। बिल्कुल, बहुत प्यारी आवाज है। बस थैंक यू, बहुत धन्यवाद। मैंने थोड़ा सा शास्त्रीय संगीत में ट्रेनिंग ली हुई है बचपन में, वो बड़ा पसंद है उन्होंने मेरा कायम रखा। आपका एक YouTube चैनल है राइट? ओ हाँ विभा जी, थैंक यू याद दिलाने के लिए। हाँ, हम लोग पांच गायक गायिकाएं हैं जिनकी रुचि है संगीत, स्पेशली फिल्मी म्यूजिक में। तो हमने मिलके एक चैनल खोला है ऐसे, उसका नाम रखा है ताल इंड ब्रिस्बेन। अच्छा। ताल म्यूजिक की ताल, इंड अपने भारत का, इंडिया का नाम, और ब्रिस्बेन BNE करके है। तो कोशिश करिएगा, कभी खोल के सुनिएगा, सब्सक्राइब शेयर लाइक करिएगा, अच्छा लगेगा जी। और बिना और इंतजार के मैं अब अपनी स्वरचित कविता पढ़ती हूँ। कविता का शीर्षक है प्रकृति की ऋतुएं और हम। माँ प्रकृति का सौंदर्य निराला, मनोरम दृश्यों की अद्भुत माला। माँ प्रकृति का सौंदर्य निराला,
मनोरम दृश्यों की अद्भुत माला। चाहे गहरे नीले समुद्र हों या ऊंचे गगनचुंबी पहाड़, रेगिस्तान की रेत के अनगिनत टीले या हरियाली बिखेरती वादियों की ढलान, प्रत्येक नजारा अपने आप में है एक बेजोड़ एहसास। प्रत्येक नजारा अपने आप में है एक बेजोड़ एहसास। हमारी पृथ्वी पर इतना सुहावना आलम, हम मनुष्यों के लिए अद्वितीय नव रचना की प्रेरणा बना। प्रकृति से सानिध्य मानो मानव के मानव को एक अनूठे चरम पर ले चला। समय गुजरता गया, पीढ़ी दर पीढ़ी प्रत्येक मौसम के नए नवेले रंग मानव जीवन को महकाते रहे। पतझड़, सावन, बसंत, बहार, हेमंत, शरद, ग्रीष्मा जीवन में लाए विभिन्न बदलाव, रंग और ऊष्मा। क्या बात है। धन्यवाद। इन सब ऋतुओं में वर्षा ऋतु अनेक कवियों का प्रिय स्तंभ बना। मैं भी उनमें से एक हूँ। वर्षा ऋतु मेरा भी बहुत प्रिय स्तंभ है, जिसमें श्रृंगार रस में ओतप्रोत अनगिनत कृतियों का आरंभ है। श्रृंगार रस अब किसे कहते हैं ये भी थोड़ा सा समझा रही हूँ। वियोग और संयोग दोनों ही कविताओं में पिरोए चले गए। श्रृंगार रस में वियोग और संयोग दोनों ही कविताओं में पिरोए चले गए। नायक नायिका के की प्रेम अगन और प्रेम प्रसंग दोनों वर्षा ऋतु की विशेषता झलकाते रहे। क्या बात है। मोरनी को रिझाने के लिए पंख पसार कर नाचता मोर, या हो कहीं पपीहे की पीहू पीहू तो कहीं अपने मिट्ठू मिया यानी तोते का शोर। सावन भादों में बारिश की झड़ी मन बावला कर जाती है। अरे बारिश की बूंदे तो मस्ती और सुकून भी दर्शाती हैं। और मौसम का जादुई असर प्रेमियों की खुशी को नए परवान चढ़ाता है। बिल्कुल। वहीं गीली मिट्टी की वो सोंधी सोंधी खुशबू दिलो दिमाग में एक अनूठी ताजगी को ले आता है। और दूसरी ओर साहब बारिश का वियोग से भी बड़ा नाता है। बिल्कुल। किसी ने क्या खूब कहा है कि वो बारिश नहीं वो तो मेरा दिल रोता है। इसी बात पर मुझे जगजीत सिंह की एक गजल की चंद लाइनें याद आती हैं। इरशाद। गाकर सुनाऊंगी। ये दौलत भी ले लो ये शोहरत भी ले लो भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन वो कागज के कश्ती वो बारिश का पानी वो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी वाह वाह। वो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी। तो बस साथियों अंत करूंगी चंद लाइनों से जो बस इस पूरी कविता का सार है। माँ प्रकृति के ताने बाने नर्मदा प्रतिपल हर ऋतु में जश्न के साथ मनाते हैं। जीवन के अनेकों दौर से गुजरते हुए कितने ही पात्र बखूबी निभाते हैं। जीवन के अनेकों दौर से गुजरते हुए कितने ही पात्र बखूबी निभाते हैं। बहुत ही सब चेंज कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। आपने फिलॉसफी की बात करी, आपने जगजीत सिंह, आपने बॉलीवुड के गाना भी गा दिया। और कमाल का गाया है। बहुत सुंदर। कागज की कश्ती बारिश का पानी कहाँ पहुँचा दिया हमें बैठे बैठे। सच में वो माहौल सबने मिलके बनाया। बिल्कुल बहुत सुंदर। ये जो आपने बारिश की बात करी और वियोग का और विरह का इसके साथ बहुत एक अटूट रिश्ता है। तो उसी से एक शेर ही आपके लिए स्वामी जी। कहीं फिसल ना जाऊं तेरी याद में चलते चलते कहीं फिसल ना जाऊं तेरी याद में चलते चलते रोक अपनी यादों को हमारे शहर में
बारिश का समा है। बहुत कमाल। तो बहुत कुछ याद आता है बारिशों से, एंड आई थिंक यहाँ पे सभी को बारिशों से कुछ ना कुछ तो जरूर आपके कुछ यादें होंगी आपके बहुत दिल के करीब, है ना। अब हमारे जो नए शायर हैं रमनप्रीत बरार, इनको मैं आपके सामने लाऊंगी। और इन ये जो हैं बहुत यंग शायर हैं और इन्होंने मुझे बताया बचपन से लिखते आ रहे हैं। पंजाब में मालवा बेल्ट है, मोगा जिले से, वहाँ से ये हैं। और एज एनी यंग शायर आई थिंक जैसे नदीम जी मोहब्बत इश्क में लिखते हैं, वैसे इन्होंने बोला ये भी ये उनका सब्जेक्ट मैटर है। यूजुअली वैसे तो शायर लोगों को जो भी चीज़ अपील करती है उसके बारे में कुछ ना कुछ लिखते हैं, पर अब मैं रमन जी से बोलूँगी कि वो कुछ सुनाएं। तो रमन जी क्या सुना रहे हैं आप हमें? सब तो पहला था सत श्री अकाल जी सारे, एंड थैंक यू सो मच मैम टू इनवाइट मी, थोड़ी वजह न मैनु इन्हें सारा मिलने का मौका मिला जी। तो आई एम लक्की आई थिंक, एंड मैं थोड़ा बहुत लिख लेना जी। तो सब तो पहला मैं थोनू शायरी सुनाऊंगा वक्त ते टाइम ते, टाइम की इंपोर्टेंस अपनी लाइफ दे विच जरूर। ए वक्त वक्त दी गल सजना कदे तेरा है कदे मेरा है, ए वक्त वक्त दी गल सजना कदे तेरा है ते कदे मेरा है, ए जिंदगी दे परिवर्तन ने कदे चानण कदे हनेरा है। ए दूरियां पाईयां कुदरत ने किते आथन किते सवेरा है, के हुण जिंदगी थोड़ी छोटी हो चली, जिंदगी छोटी हो चली, उमरां दा मुकदा घेरा है, पर मंजिल बड़ी ही दूर पई, पर मंजिल बड़ी ही दूर पई, बस राह दा सफर मेरा है। कई अज भी तुरदे नाल मेरे, कई वक्त ना बदलिया चेहरा है, वक्त वक्त की गल सजना कदे तेरा है कदे मेरा। ए वक्त बड़ा बलवान यारा, ए वक्त बड़ा बलवान यारा, ए अरशों फर्श बठा दिंदा, इस वक्त ने राजे नंग करते, ए नंगा नू राज दवा दिंदा। ए वक्त बड़ा बलवान यारा, ए अरशों फर्श बठा दिंदा, इस वक्त ने राजे नंग करते, ए नंगा नू राज दवा दिंदा। ए माड़ा होवे डेरा ए, वक्त वक्त की गल सारी कदे तेरा है कदे मेरा। इस वक्त ने लोग मतलबी करते, इस वक्त ने लोग मतलबी करते, माड़े वक्त च करते माड़ी, केड़े इथे असूल बराड़ा ते कादी इथे जारी है, नाल खलोता सज्जन डिगदा हस के मार दे ताड़ी है, के जिहदे नाल कल तक नफरत सी पैगी लोड़ ते चंगा रोज लगे, के इंसानी फितरत ऐसी आ मीह हटदिया छतरी बोझ लगे। ए मन मिलिया दियां गल्लां सजना कदे तू रह जे कला, ते कदे रोज महफलां जुड़दियां ने, ਇੱਥੇ ਰੋਜ ਜਨਾਜੇ ਉੱਠਦੇ ਆ ਤੇ ਰੋਜ ਬਰਾਤਾਂ ਤੁਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਏ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਚਾਰ ਚਪੇਰਾ ਏ, ਵਕਤ ਵਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਕਦੇ ਤੇਰਾ ਏ ਕਦੇ ਮੇਰਾ, ਕਦੇ ਤੇਰਾ ਏ ਕਦੇ ਮੇਰਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਕਿੰਨੀ ਗਹਿਰੀ ਬਾਤ ਕਹਿ ਦੀ ਇਤਨੀ ਛੋਟੀ ਸੀ ਉਮਰ ਮੈਂ। ਰਮਨ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਬਾਤ ਆਪਨੇ ਕੀ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ, ਰੀਅਲੀ ਇੰਜੋਇਡ ਇਟ। थैंक यू सो मच रमन जी, दैट वॉज वेरी नाइस। लाइक आप ऐसे यंग कवि, आपने बहुत ही गहरी फिलोसफिकल बात बोली है, वक्त वक्त की बात है, हाँ ऊपर नीचे होता रहता है, राइट ना, बिल्कुल सही। तो अब हम लोग आते हैं वापस से जसवंत जी आपके पास, आप ये काला सूरज के बारे में कुछ बताएंगे? काला सूरज के बारे में मैं बाद में बताता हूँ, अच्छा पहले अपनी गजल सुनाता हूँ और उसमें से एक गजल सुनाऊंगा आपको कुछ शेर जरूर। पेश है अपनी दूजी गजल, नदीम जी ने फरमाइश की है, अच्छा कि प्यार किसे नू कर बैठे हैं, वाह वाह प्यार किसे नू कर बैठे हैं, तलियां पे अग कर बैठे हैं, वाह क्या बात है, प्यार किसे नू कर बैठे हैं, तलियां पे अग रख तर बैठे हैं, कि साडी चुप दा कारण है कुछ, साडी चुप दा कारण है कुछ, समझी ना कि डर बैठे, साडी चुप दा कारण है कुछ, समझी ना कि डर बैठे, कि इन्ने सागर होर ने अगे,
इन्ने सागर होर अगे जिन्ने सागर तर बैठे। इन्ने सागर होर ने अगे जिन्ने सागर तर बैठे हां के जेड़े सारी उम्र ना कीते ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੀਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁਣ ਕਰ ਬੈਠੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁਣ ਕਰ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ ਦਿਲ ਤੇ ਜਰ ਬੈਠੇ। ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ ਦਿਲ ਤੇ ਜਰ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਹਨ ਅੰਗਿਆਰ ਸਾਡੇ, ਅੰਦਰ ਹਨ ਅੰਗਿਆਰ ਸਾਡੇ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦੇ ਪਰ ਬੈਠੇ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਅੰਦਰ ਹਨ ਅੰਗਿਆਰ ਸਾਡੇ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦੇ ਪਰ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਪੌਣਾ ਫੇਰ ਵਤਨ ਤੋਂ ਆਈਆਂ, ਪੌਣਾ ਫੇਰ ਵਤਨ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਪਰ ਬੈਠੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਮਤਲਬ ਜਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਪਿਆਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਤਲੀਆਂ ਤੇ ਅੱਗ ਧਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਚੁੱਪ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕੁਝ ਵਾਹ ਸਮਝੀ ਨਾ ਕੇ ਡਰ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਪੌਣਾ ਫੇਰ ਵਤਨ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਪਰ ਬੈਠੇ। ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿਚ ਰੋਈ ਜਾਣਾ, ਵਾਹ ਤੂੰ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿਚ ਰੋਈ ਜਾਣਾ ਇਧਰ ਤੱਕ ਬੇਘਰ ਬੈਠੇ। ਬਹੁਤ ਲੈਸਨ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਸ਼ੇਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ। ਪਿਆਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰ ਬੈਠੇ ਆ ਤਲੀਆਂ ਤੇ ਅੱਗ ਧਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗਜ਼ਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦੂੰ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਗਜ਼ਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਉਸਤਾਦ ਗੁਰਦਿਆਲ ਰੋਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਸੂਰਜ ਹੈ ਦਾ ਨਾਮ। ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਰੋਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਾਇਰ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 40-45 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲਿਖਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਕਾਲਾ ਸੂਰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗਜ਼ਲ ਆ ਬਾਂਸ ਦੇ ਜੰਗਲ। ਬਾਂਸ ਦੇ ਜੰਗਲ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੇ ਉਦਾਸੇ ਸੁਰ ਫੜੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੇ ਉਦਾਸੇ ਸੁਰ ਫੜੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਬਾਂਸ ਦੇ ਜੰਗਲ ਸੜੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੇ ਉਦਾਸੇ ਸੁਰ ਫੜੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਬਾਂਸ ਦੇ ਜੰਗਲ ਸੜੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਚੁੱਪ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਚੁੱਪ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਚ ਜੋ ਪੱਤੇ ਚੜੇ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਚੁੱਪ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਚ ਜੋ ਪੱਤੇ ਚੜੇ ਨੇ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਸ ਦੀ, ਚੰਦ ਸੂਰਜ, ਕਲਾਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਸ ਦੀ, ਚੰਦ ਸੂਰਜ, ਇਹ ਕਿਸ ਨੇ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਤਾਰੇ ਜੜੇ ਨੇ। ਕਲਾਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਸ ਦੀ, ਚੰਦ ਸੂਰਜ, ਇਹ ਕਿਸਨੇ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਤਾਰੇ ਜੜੇ ਨੇ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਣ ਗਏ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਯੁੱਗ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਣ ਗਏ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਯੁੱਗ ਨੂੰ ਪੜੇ ਨੇ। ਵਿਵਲ ਜੀ ਅਗਲਾ ਸ਼ੇਰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾਣ ਦਈਏ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾਣ ਦਈਏ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬੜੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾਣ ਦਈਏ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬੜੇ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਉਸਨੂੰ ਮੈਂ ਤੂੰ ਲੱਖਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਏ, ਕਿਹਾ ਉਸਨੂੰ ਮੈਂ ਤੂੰ ਲੱਖਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੜੇ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਉਸਨੂੰ ਮੈਂ ਤੂੰ ਲੱਖਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੜੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਮਾਂਝੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਨਸਲ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਦਸ਼ਰਤ ਮਾਂਝੀ ਜਿਹਨੂੰ ਨੇ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਚੀਰਾ ਤਾ, ਕਿ ਉਸੇ ਮਾਂਝੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਨਸਲ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਰਾਹ ਲਈ ਪਰਬਤ ਕੜੇ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੇ ਉਦਾਸੇ ਸੁਰ ਫੜੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਬਾਂਸ ਦੇ ਜੰਗਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੀਬਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੀ ਗਜ਼ਲ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਮ ਲੋਕ ਦੇਖ ਸਕਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਨਕਾ ਕਿਤਨਾ ਅਸਰ ਆਪ ਪੇ ਵੀ ਰਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜੀ। ਹਾਂ, ਯੇ ਜੋ ਆਪ ਇਸ਼ਕ ਵਗੈਰਾ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਸ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਮੁਝੇ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਸਰ ਝੁਕਾਓਗੇ ਤੋ ਪੱਥਰ ਦੇਵਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਰ ਝੁਕਾਓਗੇ ਤੋ ਪੱਥਰ ਦੇਵਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਤਨਾ ਮਤ ਚਾਹੋ ਉਸੇ, ਇਤਨਾ ਮਤ ਚਾਹੋ ਉਸੇ, ਵੋ ਬੇਵਫਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਸ਼ੀਰ ਬਦਰ ਕੀ ਜੀ। ਤੋ ਜੀ ਤੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਆਪਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਹਾ। ਔਰ ਅਬ ਹਮ ਉਸੀ ਨਦੀਮ ਜੀ ਕੇ ਪਾਸ ਆਤੇ। ਨਦੀਮ ਜੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲੀ ਕੌਨ ਸੀ ਆਪਕੀ? ਸਰ ਜੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲੀ ਸੁਣਾਤੇ ਹੈਂ। ਇਸਸੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਮੇਂ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਥੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੋ ਉਸਮੇਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਥਾ, ਮੁਝੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਰੂਰ।
बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं इन बारिशों से। क्या वाह, बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं इन बारिशों से। इन बारिशों से कहो कि अपना बरसा करें। वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। और वागला जी अभी आग की बात कर रहे थे, तो चले हम भी आग से अपनी स्टार्ट कर देते हैं। वही रोमांटिक है मतलब अर्ज है, दिल में महबूब की याद सजाए रखना। वाह, दिल में महबूब की याद सजाए रखना बड़ी मुश्किल है, दिल में आग लगाए रखना। वाह 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 वाह, दिल में महबूब की याद सजाए रखना बड़ी मुश्किल है, दिल में आग लगाए रखना। क्या बात है विभा जी, तेरी सोचों में सदा गीत वफा के लिखना। वाह, तेरी सोचों में सदा गीत वफा के लिखना और फिर सोचों को लोगों से छुपाए रखना। वाह वाह वाह, बहुत ही कमाल। तेरी सोचों में शुक्रिया, तेरी सोचों में सदा गीत वफा के लिखना और फिर सोचों को लोगों से छुपाए रखना। तिश्नगी बहुत है दिल में मजबूरे वफा की। तिश्नगी बहुत है दिल में मजबूरे वफा की, इस मजबूरे वफा को सीने से लगाए रखना। क्या बात, बहुत ही कमाल। हमने चाहा था कि फूल खुशबुए मोहब्बत के खिले। हमने चाहा था कि फूल खुशबुए मोहब्बत के खिले और इस खुशबू को हवाओं से बचाए रखना। वाह वाह वाह, हमने चाहा था कि फूल खुशबु मोहब्बत के खिले और इस खुशबू को हवाओं से बचाए रखना। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी, बहुत मुश्किल है जी, बहुत मुश्किल है जमाने में अगर प्यार मिले। बहुत मुश्किल है जमाने में अगर प्यार मिले और इस प्यार को आंखों में छुपाए रखना। वाह वाह वाह, दिल में महबूब की याद सताए रखना बड़ी मुश्किल है, दिल में आग लगाए रखना। एक बार मतलब जरूर पढ़िए दोबारा से। दिल में महबूब की याद सजाए रखना। वाह, बड़ी मुश्किल है दिल में आग लगाए रखना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और मैं आखिर में वागला जी के उस्ताद जी को एक मैसेज देना चाहता हूँ। मैंने उनको देखा नहीं है लेकिन मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, जितनी तारीफ या जितना वो वागला जी उनके बारे में यहाँ बयान करते हैं, यकीन करें कि वागला जी उनके ऐसे शागिर्द हैं कि इतना, बहुत सारे लोगों सुना है अपने उस्ताद जी के बारे में इतना कुछ नहीं कहते, और इनकी शायरी उनकी वजह से ये पाक कमाल शायरी करते हैं ब्रिस्बेन में। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने एक ब्रिस्बेन को अपना एक ऐसा शागिर्द दिया जो हमारे साथ बैठा है। बहुत बहुत शुक्रिया, हम सबकी खुशकिस्मती है जो हमें जसवंत जी जैसा शागिर्द मिला। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, हमारे ब्रिस्बेन में यू नो जब पंजाबी शायरी की बात आती है तो आपका नाम सबसे ऊपर ही होगा। शुक्रिया जसवंत जी। थैंक यू जी, बहुत मजा आया नदीम जी, मतलब आप जब भी बोलते हैं मेरा दिल इतना बहुत ही अच्छा हो जाता है। नदीम जी की शायरी सुनो मजा आ जाता है। मुझे बहुत पसंद है रोमांटिक। हाँ, इसी बात से ना मुझे ये बात मैं दर्शकों के साथ शेयर करती हूँ कि ये जो सब पुरानी बातें चल रही है नॉस्टैल्जिया, अभी पिछले हफ्ते इनफैक्ट मेरे एक बचपन के दोस्त आए, उनसे मैं करीब मैं उनसे 11th क्लास के बाद अब मिली हूँ जाके जी जी। तो एक बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि ना वो जो दोस्त रहते हैं आपके स्कूल टाइम के, वो वाले दोस्त बहुत खास रहते हैं। मुझे ऐसा लगा मैं उसी गली के मोड़ पे गई और मेरी पुरानी वो जो विभा है वो उससे मुलाकात हुई मेरी, जो उन्होंने बोला मेरे बारे में। और मुझे ना मतलब बहुत कुछ याद आया, और मतलब उस जमाने की बातें जब व्हाट्सएप वगैरह सोशल मीडिया वगैरह कुछ नहीं होता था, फोन होता था, लेटर्स होते थे, ये सब चीजें रहती थी, लेकिन बहुत एक उसका एक अलग अपना एक चार्म रहता था, है ना। तो वो बहुत ही एक जमाना था जो बहुत ही दिल के करीब है मेरे। और अभी जो स्कूल की छुट्टियां चल रही है तो मैं अपनी बेटी के साथ गई और मुझे बहुत एक चीज लगी कि मुझे भी किताबों का बहुत शौक था, और सडनली उसने अपने पैसे जमा किया और उसने बोला मम्मी मुझे ना बुक शॉप पे जाना, बुक फेस हम लोग गए और आयन, और वहां उसने अपने लिए किताबें ली और वहीं पे मैंने ये वाली बुक देखी। मैं जब से एक्चुअली लेना चाह रही थी लव स्टोरीज बाय ट्रेंट डॉल्टन, और ये जो राइटर है ना ये अपने ब्रिस्बेन के हैं, इज वन ऑफ द बेस्ट ऑस्ट्रेलियन ऑथर हैं, जर्नलिस्ट भी हैं। और इन्होंने क्या किया कि ये एक कॉफी शॉप में बैठे ब्रिस्बेन में, और उन्होंने एक वहाँ पे बोर्ड लगा दिया साइन कि इफ यू हैव गॉट अ लव स्टोरी आके मेरे साथ शेयर करें, और लोग उनके पास गए और मतलब बिल्कुल आम आदमियों की जो लव स्टोरी है, और मतलब ना इसको पढ़ा बस मैंने थोड़ा बहुत मेरी आंखों में आंसू आ गए, मतलब मैं आपको क्या बोलूं, मतलब इट्स सो रियल। एंड अगर आपको वक्त मिले जरूर पढ़ें, मैं दर्शकों से भी बोलूंगी लव स्टोरीज इट्स कॉल्ड। एंड ऐसे माहौल में जब कोविड वगैरह चल रहा था तो ऐसा कुछ पॉजिटिव सा अगर आप सुने
तो इट्स अबाउट फॉलिंग इन लव, फॉलिंग आउट ऑफ लव. बहुत लोगों की अलग अलग परिभाषाएं हैं जो डेफिनेशंस हैं लव की. बिल्कुल. तो बहुत मजा आया. और जी हाँ, तो आप जरूर पढ़ें इसे वक्त मिले तो. और जी, ये बशीर बद्र की बात हो रही थी तो उन्हीं की उनके बारे में, उनको एक्चुअली पद्मश्री अवार्ड भी मिला था उनको. एंड उनका एक रेडियो प्रोग्राम है बहुत फेमस, हमारा विविध भारती पे आता है. उन्हीं का जो एक शेर है, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, ना जाने किस गली में जिंदगी की शाम. बहुत अच्छा, बहुत मशहूर शेर है, बहुत अच्छा. तो उनका ये जो उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, यही नाम है वो रेडियो प्रोग्राम का एक्चुअली. और अब तो खैर उनकी काफी एज हो गई है, उनको डिमेंशिया हो गया है, बट उनके जो शेर हैं जस्ट मतलब मैं ना जब भी मुझे वक्त मिलता है मैं उनको बहुत पढ़ती हूँ. तो उनका एक और मैं, मुझे बहुत पसंद है, ये आप सबके साथ मैं शेयर करूंगी. शुक्रिया. और नदीम जी, ये आपके लिए एक्चुअली, आप फूल पत्ती की जो अभी बात कर रहे हैं ये आपके लिए. शुक्रिया बेबी जी. कोई फूल धूप की पत्तियों में हरे रिबन से बंधा हुआ, कोई फूल धूप की पत्तियों में हरे रिबन से बंधा हुआ, वो गजल का लहजा नया नया, ना कहा हुआ ना सुना हुआ. सो इट्स सो सिंपल. एंड वो ऐसे मतलब वर्ड्स को भी अपनी शायरी में लेके आते हैं, मॉडर्न एंड ऑल्सो पुराने वर्ड्स को, तो इतना मतलब अपीलिंग हो जाता है. और मुझे लगता है आपकी शायरी भी वैसी, नदीम जी, लाइक इट्स वेरी, एवरीवन कैन रिलेट टू इट. बिल्कुल. हाँ जी. तो मेरा शायरी के बारे में यह होता है कि हमेशा शायरी भी दो किस्म की होती है. मैं अच्छी शायरी करता हूँ कि एटमोसफियर अच्छा हो, या मतलब ये नहीं कि चलो महबूब को नाराज है या क्या है, चलो वो भी शायरी है, लेकिन उसकी जुल्फ का जिक्र करना, उसके मतलब जिस तरह लाश गालों पे तिल का जिक्र कर दिया कि ये रोमांटिक शायरी के एटमोसफियर को अच्छा बनाने के लिए. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. मजा आ गया जी. तो ये मैं एक शेयर करती हूँ. एंड इसमें यू नो इट्स जस्ट लाइक वेरी सिंपल, बट आप देखें कि बहुत ही इफेक्टिव है. मुझसे बिछड़ के खुश रहते हो, जसवंत जी, मुझसे बिछड़ के खुश रहते हो, मेरी तरह तुम भी झूठे हो. एक टहनी पर चांद टिका था, एक टहनी पर चांद टिका था, मैंने ये समझा तुम बैठे हो. उजले उजले फूल खिले थे, उजले उजले फूल खिले थे, बिल्कुल जैसे तुम हंसते हो. आपके लिए. एंड शर्मा जी, मुझको शाम बता देती है, मुझको शाम बता देती है, तुम कैसे कपड़े पहने हो. जी रविन जी, ये आपके लिए. दिल का हाल पड़ा चेहरे से, दिल का हाल पड़ा चेहरे से, साहिल से लहरे गिनते हो. बहुत ही खूब. और ये उनका आखिरी है, ये एक्चुअली जगजीत सिंह ने भी गजल इनकी गा चुके हैं. जी, इनकी गजल बशीर बद्र की गजल है. तुम तन्हा दुनिया से लड़ोगे, तुम तन्हा दुनिया से लड़ोगे, बच्चों सी बातें करते हो. जी, तो ये उनका ये गजल थी जो बहुत ही खूबसूरत गजल है. और जी हाँ, मैं तो उनके बारे में बोलती रहूंगी. नाउ आल की सौम्या जी के पास आते हैं. सौम्या जी, आप क्या सुना रहे हैं हमें? बहुत बढ़िया समा बांधा विभा जी आपने. लेकिन जब आपने मेंशन किया अपने स्कूल के फ्रेंड का, हाँ, तो मुझे भी एक बहुत ही सिमिलर सा वाक्य याद आ गया. हाल ही में मेरी भी एक स्कूल की फ्रेंड 12th क्लास में लास्ट मिले थे. अच्छा. वो ब्रिस्बेन आई. अरे वाह. अपने काम के ट्रिप पे आई. हाँ थी जी. लेकिन ये था कि उसको पता था मैं ब्रिस्बेन रहती हूँ. हाँ, तो जरूर हमने प्रोग्राम बनाया मिलेंगे. जी, जी. और आप मानेंगे नहीं, 25 साल पहले मिले थे और आज मिले तो वहीं से शुरू किया आगे कि कैसे हम लोग इस दौरान बदले हैं. बट हम लोग वही स्कूल गर्ल्स थे दोबारा से. जी, जी, जी. और वो इतना थेरेप्यूटिक था. हाँ. इतना मन को रिलैक्स करने वाला. हाँ, जी, जी, जी. जिसे कहते हैं एक नई ऊर्जा आ गई मन. हाँ, में एक स्फूर्ति सी आ गई मन में. तो मुझे भी वही याद आया जब आपने जी, जी, अपने क्लासमेट की बात करी कि जी. ये तो मेरे साथ अभी हाल ही में हुआ था. हाँ. और ये भी एक फनी बात है, देखी कि वर्ल्ड इतना छोटा होता जा रहा है कि वो भी अपने काम के सिलसिले में आए थे. अच्छा. कि आप चाहे इंडिया में काम करें, स्पेन में काम करें, लाइक वो डेनिजनशिप की बात आजकल हो रही है, और डिजिटल नोमैड्स, लाइक लोग कहीं भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, फिर चले जाते हैं. ऐसा किसी को कुछ है नहीं कि उसी देश में रहना है या वो सिटीजनशिप ही चाहिए.
जो बच्चे हैं आजकल के बहुत ग्लोबल थिंकिंग हो गई है उनकी. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली फिनोमेना टू सी कि ना दुनिया को आप देख रहे हो कि ये पूरी दुनिया में हम कहीं भी रह सकते हैं. ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक ही जगह रहना है या काम करना है. सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. या इससे मुझे याद आया एक कोटेशन पढ़ी थी मैंने कई साल पहले. बस छोटी सी चार लाइनें हैं बट वो बहुत आज के युग में प्रभावी हैं. जी वो कहते हैं द वर्ल्ड इज माय प्लेग्राउंड. जी जी बिल्कुल, बिल्कुल. तो बिल्कुल वही सीन है सबके लिए, स्पेशली आज की जो नई पीढ़ी है. जी जी उनके लिए लोकेशन कोई मैटर नहीं रखती. अच्छा वापस अपने मौसम के थीम पर मैं आना चाहूंगी और इस बार मैं थोड़ा सा टर्न लूंगी मौसम के फील्ड में. इसमें मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगी जो मौसम का कनेक्शन या ताल्लुक बदलाव से है. कई बार ऐसे ही हम रोजमर्रा की जिंदगी में बोलते हैं अरे तुम्हारा मूड तो मौसम की तरह बदलता है. तो जो बदलाव है मौसम का वो इस बात का प्रतीक है कि हम सब में बदलाव आते हैं. और वो जो मौसम है वो ही शायद हमें अलग अलग दिनचर्या में ढालता है क्योंकि मौसम बदल रहा है. तो हाँ हमें अपने रोज के काम बदलने हैं. तो इस बदलाव की बात से ही मुझे एक और दो लाइनें याद आई हैं मैं बोलना चाहूंगी. धीरे धीरे बढ़ रही हैं तेरे चेहरे की लकीरें. धीरे धीरे बढ़ रही हैं तेरे चेहरे की लकीरें. शायद नादानी और अनुभव में बंटवारा हो रहा है. क्या बात है. तो बस ये तो सिर्फ बदलाव और मौसम को लिंक करने का एक छोटा सा पड़ाव था. बट मैं इस बार जो मौसम को अंदरूनी मौसम, प्यार के मौसम, खुशी के मौसम, खिलखिलाहट के मौसम, इससे जोड़ना चाहूंगी. क्योंकि अभी तक जो हम पतझड़, सावन, बसंत, बहार, हेमंत सबकी बात कर रहे थे ये सब बाह्य मौसम है. लेकिन जो अंदर के मौसम है उसको इंसान हमेशा चाहेगा कि वो प्यार का मौसम महसूस करता रहे अपनी खुशहाली के लिए. वो खिलखिलाहट हमेशा उसके दिमाग में गूंजती रहे जिससे उसकी, जिसे हम आजकल वेलबींग कहते हैं, खुश रहे, अच्छा महसूस करे. तो बस इन सकारात्मक अनुभव पर प्रकाश डालने का मन था और इसी सिलसिले में मैंने अंदरूनी मौसम को आगे बढ़ाते हुए एक दिल से कविता लिखी है. और इस बार वो कविता थोड़ा सा थीम माँ पर है. अच्छा जरूर सर. इसको मैंने अपनी दोनों माओं के लिए लिखी है. एक जिसने मुझे जन्म दिया, पाला पोसा और पिता के सहयोग के साथ बड़ा किया, और दूसरी माँ जो मुझे विवाह पश्चात अपनी ससुराल में मिली. दोनों ही महान आत्माएं हैं और सौभाग्यवश आज इस साल उन दोनों का माइलस्टोन जन्मदिन मनाया जाएगा. क्या बात. तो इस कविता का जो शीर्षक है वो माँ है और उसको मैंने सच में हृदय से उन दोनों के लिए ही लिखा है. इस बार सुनाती हूँ, छोटी सी है. अंग्रेजी में एक कहावत है, शायद आपने सुनी हो, गॉड कुड नॉट बी एवरीवेयर सो ही मेड मदर्स. और आज की चंद लाइनें उसी माँ को कोटि कोटि प्रणाम कर रही हैं. माँ आप हमारे लिए प्रभु की दुआ हैं. आपके आशीष से ही हमारा हर कार्य संभव हुआ है. आप उसका हमारे साथ प्रतिपल होने का एहसास है. आप उसका यहाँ पे तात्पर्य भगवान से है, उसका हमारे साथ प्रतिपल होने का एहसास है. आप बेहद प्यारी और खास है. हमारे हृदय में सदैव आपका वास है. माफी उन पलों की जब हमने किया आपको उदास है. आप दया सागर की मूरत है, त्याग, सब्र और ममता की सूरत है. आपका जीवन सदा स्वस्थ, सुखद और संपन्न रहे. हम सब पर आपका आशीष अनंत बना रहे. बहुत ही, बहुत ही,
बहुत ही खूबसूरत कविता आपने लिखी, बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छी तरह आपने रैप अप किया है, मौसम की बात करी और अंदरूनी मौसम की बात करी। बस थैंक यू सो मच स्वामी जी। और जिस तरीके से आप हिंदी के शब्दों का इस्तेमाल करती हैं, मैं आपसे पहले भी बोल रही थी कि सुनने को मिलते नहीं है ब्रिस्बेन में, मैं जब सुनती हूँ अच्छा मुझे वो याद आते हैं। तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच स्वामी जी। अब हम लोग रमन जी के पास आते हैं। अब देखिए रमन जी हमें क्या सुना रहे हैं, तो रमन जी क्या सुना रहे हैं हमें आज? मैं आपको एक सैड शायरी सुनाऊंगा। सैड, लेकिन उससे पहले जैसे आप मौसम के बारे में बात कर रहे हैं, हाँ जी, तो मौसम के साथ ही ख्याल आता है चाय का। चाय का, हाँ, चाय, पंजाबी में चाय कहते हैं। चाय, तो जो चाय होती है वो एक बैठने का बहाना भी होता है किसी को कोई बात कहने का। तो एक लड़का किसी लड़की को कहता है, क्या कहता है कि बड़ा ठग दी है मैनू तेरी अदा बा कमाल। बड़ा ठग दी है मैनू तेरी अदा बा कमाल, बह के पुछने आ तेनू बड़े दिल च सवाल। तू मैनू इश्क सिखा दी सलाह दे बहाने, चल बैठ दे कि चाह दे बहाने, तू तुरे तेरे पैरां थले फुल मैं विछावा, तू तुरे तेरे पैरां हेठ फुल मैं विछावा, तू जेड़ी मंजिल ते पहुंचे मैं भी उथे आ जावा। क्यों ना कठे तुर पइए इको राह दे बहाने, चल बैठ दे कि चाह दे बहाने, बैठ के बहुत कुछ किया जा सकता किसी। एक सैड शायरी है जो मैं लिखी है जी, कि अज ही नहीं हुंदी पर कल हुंदी सी, अज ही नहीं हुंदी पर कल हुंदी सी, कदे ओदियां गल्लां च मेरी गल हुंदी सी। कि अज ही नहीं हुंदी पर कल हुंदी सी, कदे ओदियां गल्लां च मेरी गल हुंदी सी, साडे विच रहिंदी सी की तकनी जनाब दी, ते कंडियां तो राखी मैं भी कीती सी गुलाब दी। उदो मौके दी हवा भी साडे वल हुंदी सी, कदे ओदियां गल्लां च मेरी गल हुंदी सी। कि थोड़ा बदलिया दिल बहुते बदले हालात, थोड़ा बदलिया दिल बहुते बदले हालात, ओ भी हो गई सियाणी मैं भी रिहाना जवाक। कि न्याणी उम्र च इश्क दी छल हुंदी सी, कदे ओदियां गल्लां च मेरी गल हुंदी सी। जादां बन सुपने आउंदे ओदे तों बाद ने मैनू, जादां बन सुपने आउंदे ओदे तों बाद ने मैनू, तकनी मैं भुल नहीं सकिया ते गल्लां वी याद ने मेरी। मेरे बिना ना ओ रहिंदी इक पल हुंदी सी, कदे ओदियां गल्लां च मेरी गल हुंदी सी। के ख्याल कुड़ी नूं हुण आउंदे नहीं ओ मेरे, ख्याल कुड़ी नूं हुण आउंदे नहीं ओ मेरे, ओ ख्वाब तां सजाउंदी पर बदल गए चेहरे। क्या बात, कि जेड़ा मेरे लई सी गैर पर ओदे नाल सांझ सी, ओही गैर साडे विच दखल अंदाज़ सी। बस आही गल सीने विच सल हुंदी सी, कदे ओदियां गल्लां च मेरी गल हुंदी सी, कदे ओदियां गल्लां च मेरी गल हुंदी। आपकी एज के हिसाब से आपकी पोइट्री मुझे लगा बहुत काफी मैच्योर्ड है, और आप काफी अपना दिल से लिखते हैं, काफी सारी फीलिंग्स के साथ लिखते हैं। थैंक यू सो मच जी, वेरी नाइस। या ये जो आप दोस्तों की बात कर रहे हैं, इसे एक शेर आपके लिए जो एक जो खास रहते हैं। वो कोई दोस्त था अच्छे दिनों का, वो कोई दोस्त था अच्छे दिनों का, जो पिछली रात से याद आ रहा है, जो पिछली रात से याद आ रहा है। जी, जो ये दोस्तों की बात हुई, इन्होंने भी दोस्त अपनी दोस्ती मिली ये 12 से, और मैं भी मिली, और ये सब जो ऐसी बातें चलती रहती हैं। तो बस हम अब आखिरी पड़ाव पे पहुंच गए हैं हमारे प्रोग्राम के, और आई मस्ट से कि मैंने बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई, और हम लोगों ने किताबों की बातें करी, और हमारे बीच नए शायर आए, और स्वामी जी ने इतनी अच्छी तरह से रैप अप किया मौसम के बारे में, और नितिन जी की तो बात ही क्या है, उन्होंने हमें पूरा घुमा दिया शरद के इस पार और शरद के उस पार। नितिन जी और बहुत मजा आया, और मैं मुझे पूरी उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम आप आएंगे तो कुछ शायरी लिखें आप इसके ऊपर, अपनी जो यात्रा आपकी जो रही उसके बारे में कुछ हमारे। हाँ, तो थैंक यू सो मच। और जसवंत जी आपको फिर से मुबारक आपकी जो बुक आई है सिलसिला, और हम आप बहुत सारे वीडियो पोस्ट करते रहते हैं आपके सोशल मीडिया पे, तो इंतजार रहता है हमें और आगे भी रहेगा। सो दर्शकों, बस चलने का मौसम वक्त आ गया है, आप मानसून एंजॉय कीजिए, और
जो एक सौंधी सौंधी खुशबू रहती है मिट्टी की, उससे उसका आप आनंद लीजिए। और ये जो मौसम है, एक बार चले जाते हैं तो आते नहीं हैं, उसमें ये जो पूरे चार सीजन्स रहते हैं उसमें थोड़ा टाइम लगता है, और हर एक मौसम को आप एंजॉय करें। और इसी उम्मीद के साथ कि ये मानसून आपके लिए बहुत खास रहेगा, हम सब आपको आपसे अलविदा रहते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और प्यार मोहब्बत बांटते रहिए। अलविदा।